हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बायो स्टडीज। इन द सीरीज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ क्लास 12th, विच इज द चैप्टर 2, नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। हमने बात करी प्री फर्टिलाइजेशन, क्या क्या प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव, एवरीथिंग वी हैव डन, पॉलिनेशन वी हैव डन, और उसके बाद पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एवरीथिंग वी हैव डन। अगर आपने अभी तक वो सब नहीं देखा, प्लीज गो थ्रू माई प्रीवियस वीडियोज, यू विल अंडरस्टैंड इट इन मच बेटर वे। ओके, अब हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन तो हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब नया नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बना रहा है, ठीक है। तो देखो, अभी हमने क्या बताया था कि एक तो मेल गैमेट है, वो किसके साथ फ्यूज होता है, इट गेट फ्यूज विद द एग सेल एंड मेक द जाइगोट, एंड अनदर सेकेंड वन मेल गैमेट गेट फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई एंड मेक द एंडोस्पर्म। ओके, फाइन। तो अब हम बात कर रहे हैं, इन दोनों की ही बात करेंगे कि इन दोनों में क्या क्या डेवलपमेंट होती है। चलो पहले लेते हैं हम एंडोस्पर्म को। तो फर्स्ट अगर हम एंडोस्पर्म की बात करें, सबसे पहले तो ये हमें पता है किससे बन रहा है, जब मेल गैमेट एक पोलर न्यूक्लियाई से बनता है तो उसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, जिसके थ्रू ये एंडोस्पर्म बनता है। ओके, इसको नाम देते हैं शुरू में, दैट इज़ दी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या न्यूक्लियस। ओके, ये तो शुरू में प्राइमरी बनता है, बट जैसे ही बनता है इट कीप ऑन माइटोटिक डिवीजन, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोटिक डिवीजन होता है, और जिसकी वजह से क्या बना लेता है, एक टर्शरी एंडोस्पर्म बना लेता है। इस एंडोस्पर्म का मेन रोल क्या है, ये जनरली न्यूट्रिशन का काम करता है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी एम्ब्रियो, जो ये जाइगोट बना, जिससे फर्दर आगे जाके क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, राइट। तो ये क्या करता है, इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ओके, इनिशियली जो एंडोस्पर्म होता है, जब ये माइटोटिक डिवीजन करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डिवीजन करता है, तो डिवीजन के थ्रू बेसिकली क्या बना रहा है, कुछ फ्री न्यूक्लियाई बना रहा है, जिसको नाम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज दी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। समझ आ रहा है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, लार्ज अमाउंट ऑफ डिवीजन हो रहा है, लगातार डिवीजन हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता ही जा रहा है, और क्या हो रहा है, सेल के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस फॉर्मेशन होता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। लेटर ऑन क्या होता है, इसके चारों तरफ एक वॉल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, एंड नाउ इट मेक द सेलुलर एंडोस्पर्म। समझ में आया, बाद में क्या बन रहा है, सेलुलर एंडोस्पर्म। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले, दैट इज़ अबाउट द टेंडर कोकोनट, जो कोकोनट होता है, जो टेंडर वाला, जिसका हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं, सो उसका जो कोकोनट वाटर होता है, इट इज़ एक्चुअली व्हाट, दिस फ्री न्यूक्लियाई। ये क्या है, एक्चुअली ये जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, वो वाटर होता है जिसको हम कंज्यूम करते हैं, और इस कोकोनट के चारों तरफ जो वाइट कर्नेल होता है, ठीक है, जो वाइट कर्नेल होता है, जिसको भी हम कंज्यूम करते हैं, इट इज़ एक्चुअली दिस सेलुलर एंडोस्पर्म। ये कौन सा है, दिस इज़ दी सेलुलर एंडोस्पर्म। समझ में आया एंडोस्पर्म के बारे में। ओके, नाउ डिपेंड करता है यहाँ पे दो तरह से, जो आगे फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, या आगे जो सीड का फॉर्मेशन होता है, या तो वो एंडोस्पर्म क्या होता है, उस सीड में टोटली कंज्यूम हो जाता है, टोटली कंज्यूम हो जाता है, किसके थ्रू, ये एम्ब्रियो के थ्रू, एम्ब्रियो अपने पूरे डेवलपमेंट स्टेज में इस पूरे एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है, और जब ये पूरा ग्रो हो जाता है, तब तक एंडोस्पर्म नहीं बचता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक। ओके, या फिर दूसरा नाम बोलते हैं एक्स एल्बुमिनस सीड। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पीनट, बीन्स, ठीक है, सॉरी पी हो गया, और दूसरा ग्राउंड नट, पूरे ग्राउंड नट को हम कंसीडर करेंगे, नॉट पर्टिकुलर पीनट। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिसमें एंडोस्पर्म बचता ही नहीं है, और कुछ ऐसा होता है जिसमें एम्ब्रियो जो है कंप्लीट कंज्यूम नहीं करता, एंडोस्पर्म उसमें बाद में भी रहता है, दैट इज कॉल्ड एज दी एंडोस्पर्मिक, और क्या नाम बोलते हैं, एल्बुमिनस।
जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कोकोनट. लाइक दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, दैट इज दी कैस्टर. इसमें क्या रहता है, अंदर ऑयल रहता है, कोकोनट में वाटर रहता है, तो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एंडोस्पर्म. अब हम बात करते हैं एम्ब्रियो की, मतलब कि जाइगोट से जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है उसके बात करते हैं. अगर एक एम्ब्रियो को आप देखोगे तो किससे बनता है, बेसिकली इट फॉर्म फ्रॉम दी जाइगोट, राइट. और जाइगोट कहाँ बनता है, एक एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट होता है. इस एम्ब्रियो सैक में जो माइक्रोपाइलर एंड होता है उसी की तरफ ये जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. जब ये एम्ब्रियो बनना होता है तो ये इंश्योर करता है कि उससे पहले ही एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए. क्यों ऐसा, क्योंकि जैसे ये अपना ग्रोथ शुरू करेगा इसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो इट मेक और इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन. एंडोस्पर्म यहाँ पे क्या है, एक न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है, ठीक है. तो इनिशियली जब हम देखते हैं, एज यू नो प्लांट दो कैटेगरीज होती है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट. तो इनिशियली अगर आप देखोगे तो मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट सेम रहता है. क्या रहते हैं, सबसे पहले ये प्रो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में रहते हैं, then they make the globular embryo, then they make the heart shape embryo, and at last they become the mature embryo. जब ये मैच्योर एम्ब्रियो तक आते हैं तब जाकर मोनोकॉट डाइकॉट दोनों में कुछ डिफरेंस शुरू होते हैं. यहाँ तक ऊपर तक ये स्टेजेस सारी सेम रहती है. यहाँ पे मैंने दो स्ट्रक्चर दिखाई है मोनोकॉट एंड डाइकॉट की. सबसे पहले हम लेते हैं डाइकॉट, ठीक है. जब कभी भी एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं तो दो मेन स्ट्रक्चर एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होती है. वन इज कॉल्ड दी एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, एंड अनदर इज कॉल्ड दी कॉटिलीडोन्स. इस कॉटिलीडोन्स के बेसिस पे ही रहता है. अगर दो कॉटिलीडोन होते हैं तो उसको हम डाइकॉटिलीडोन बोलते हैं, और एक कॉटिलीडोन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकॉटिलीडोन्स बोलते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितने कॉटिलीडोन्स हैं, दीज आर वन एंड टू, टू कॉटिलीडोन्स आर प्रेजेंट ओवर हेयर. नाउ इसमें जो एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये जो एक्सिस आप बोलोगे, ठीक है, दैट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस. नाउ द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस विच इज अबव द अटैचमेंट ऑफ दिस कॉटिलीडोन, क्या बोल रही हूँ, एम्ब्रियोनल एक्सिस ये जो है इसका पोर्शन जो इस दोनों कॉटिलीडोन के अटैचमेंट के ऊपर है, दिस पोर्शन ना, ओके, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द प्लूमूल, ओके, ये एक्चुअली इसको बोलते हैं एपिकोटाइल. क्या बोलते हैं इस रीजन को, एपिकोटाइल, जो अल्टीमेटली क्या बनाता है, प्लूमूल बनाता है, और यू कैन से शूट बनाता है, ओके. एंड द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ दीज कॉटिलीडोन, देखो कॉटिलीडोन के अटैचमेंट के लेवल के नीचे जो है दैट इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल, एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल, जो बेसिकली क्या बनाता है, आगे जाके रूट बनाता है. और इसी के नीचे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या बनाती है, रूट कैप, जो रूट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है. ये तो डाइकॉट की बात हो गई. अब देखते हैं मोनोकॉट. एज आई टोल्ड यू मोनोकॉट में सिर्फ एक ही कॉटिलीडोन होता है, विच इज़ दिस वन. ये जो कॉटिलीडोन दिख रहा है ये सिंगल कॉटिलीडोन है जिसको मोनोकॉट में एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्क्यूटेलम. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. क्या बोलते हैं उसको, स्क्यूटेलम बोलते हैं. दिस स्क्यूटेलम एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस. देखो ये हो गया हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसके लेटरल साइड में ही ये स्क्यूटेलम प्रेजेंट होता है, ठीक है. अब अगर यहाँ देखेंगे द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये वाला इस स्क्यूटेलम के अटैचमेंट के ऊपर की तरफ है. ये देखो यहाँ पे स्क्यूटेलम का अटैचमेंट है, इसके ऊपर का ये जो सारा पोर्शन है, दिस होल पोर्शन इज कॉल्ड दी एपिकोटाइल. वही सेम ये वाला ही पार्ट एपिकोटाइल, जो क्या बनाता है, ये बनाएगा प्लूमूल, और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है क्या बनाता है, शूट एपेक्स बनाता है. देखो लेवल ऑफ अटैचमेंट कहाँ है, स्क्यूटेलम का, यहाँ इसके ऊपर का ये पोर्शन है, ये शूट एपेक्स बनाता है. ये बाहर से एक लीफ लाइक, लीफ प्रिमोर्डिया के साथ भी कवर होता है. ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, कैन यू सी दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड कॉलियोप्टाइल. क्या बोलते हैं, कॉलियोप्टाइल. ना ये देखो इसके अटैचमेंट के बिलो ये जो पोर्शन है, दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल, या फिर इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल, जो अल्टीमेटली क्या बनाता है, रेडिकल बनाता है. इसमें ही आपको दिख रहा है आगे रूट कैप, और ये भी बाहर से एक शीद से कवर होता है विच इज कॉल्ड
कोलियोराइजा, ये सिर्फ मोनोकॉट में प्रेजेंट है, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल जो प्ल्यूमूल या शूट को कवर करता है, कोलियोराइजा जो रूट को कवर करता है। ओके तो ये जो है दो मेन बेसिक डिफरेंस होता है मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो में। तो हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन की स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स देख लिए, यही बन रहा है। एट लास्ट अब ओवरऑल सारा कुछ मिलाकर क्या हो रहा है कि ओवरी एक सीड में कन्वर्ट हो रही है। ओके सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू दिस सीड फॉर्मेशन, मोनोकॉट में पर्टिकुलर सीड की स्ट्रक्चर देखेंगे, आगे फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। टिल नाउ इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस लेक्चर प्लीज लेट मी नो through comment section. Thank you so much guys for watching this video.